तो जब मेरा हिंदू राज था तो मुझे हिंदू राज चाहिए। आपको अपना पिता की इतिहास पढ़ना चाहिए या दुश्मनों के इतिहास पढ़ना चाहिए? आजादी मेरे देश को मिली तो प्रधानमंत्री नेहरू क्यों बने, पटेल जी क्यों नहीं बने? ये देखो आओ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र चाहिए। कांग्रेस इनकी विचारधारा यहाँ की नहीं है। ये शिकायत करने कहाँ गए? इंग्लैंड गए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह कहने वालों के साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं। उन वो सबूत नहीं मांगते। सरस्वती देवी को देखा है आपने? अपने पटाला को देखा है? वो सती नहीं होती थी। उन्हें जब लगता था कि मेरे साथ बहुत बेविचार होगा, मेरी आंखों में नमूदी डाल के फाड़ दिया जाएगा, मेरी आंखों को फाड़ दिया जाएगा। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे चारों ओर का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लोग भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए हैं और ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप एक एक करके सारे पोस्टर देख सकते हैं, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर लगी है, महंत राजू दास भी हैं, सारे तमाम जो हैं हिंदू राष्ट्र के जो मांग करते हैं वो तमाम लोग इस सारे पोस्टर में मौजूद हैं। हालांकि जंतर मंतर पे लोग बेरोजगारी कभी जवान आते हैं, किसान आते हैं, महिलाएं आती हैं, लेकिन आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने की ज़रूरत पड़ गई है। क्यों? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या जो हिंदुओं की है, तो आप लोगों को मांग क्यों करनी पड़ रही है? बेटा, हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए करनी पड़ती है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र तो था, लेकिन हमें आज़ादी भी तो चाहिए। आप एक बात बताओ, कोई मेरे पिताजी का मकान छीन ले और अपना अपने बाप का नाम उस मकान पे लिख दे, जब मैं सक्षम हो जाऊंगा, मैं कोर्ट के माध्यम या किसी के माध्यम से अपना जमीन अपना मकान अपने पास लूंगा तो पहले नाम बदलूंगा ना। तो जब मेरा हिंदू राष्ट्र था तो मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। नाम भी तो बदला जा रहा है, लगातार जगहों का नाम बदला जा रहा है। और अब तो ऐसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ ने एनसीईआरटी की किताब से मुगलों का हिस्ट्री गायब कर दिया है। आपको अपना पिता की इतिहास पढ़ना चाहिए या दुश्मनों के इतिहास पढ़ना चाहिए? तो जिन्होंने हमारे पे हमला किया, जिन्होंने हमारे माँ बहनों का निरादर किया, जिसने हमारे मंदिरों का निरादर किया, हम उसका इतिहास गरिमामय बना के क्यों पढ़ें? आप कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे माँ बाप का निरादर किया, अपमान किया, लेकिन जैसा कि बहुत लोग, आपको भी पता होगा कि भारत जब आज़ाद नहीं था तो तमाम मुसलमान का भी योगदान रहा है भारत को आज़ाद करवाने में, इस पे आप क्या बोलेंगे? दो चार मुसलमानों का योगदान रहा होगा, उसके बदले में पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, क्या पूरा संपूर्ण भारत दे दूँ किराएदारों को? भारत की आप बात करते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है भारत जो है सभी जाति धर्मों का है, इसमें किसी एक धर्म का कोई जगह नहीं है, ये चारों धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सारे रहेंगे। किसने कह दिया? ये कब लिखा? किसने लिखा? ये तो मेरा हिंदू राष्ट्र था ही सदैव, सबका था, लेकिन जिन्होंने अपना हिस्सा दे करके एक किराएदार मेरे मकान में रहता है भाई, अब मकान मालिक ने मकान खाली करा दिया तो उनके बच्चों को अपने मकान में नहीं रखेगा, और चलो रख भी दिया तो जब वो मेरे बस को तोड़ेंगे, मेरे पुलिस को पत्थर मारेंगे, मेरी फौज को पत्थर मारेंगे, तो क्या मैं तब भी उन्हें झेलूँगा? नहीं झेलूँगा। तो सुनिए, पहले अभी एक नारा लगा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, नहीं उन्हें माला पहनाओ। भाई माला भी तो नहीं पहना सकता ना मैं, तो इसलिए भैया मुझे वो हिंदुस्तानी चाहिए, वो मुसलमान चाहिए जो मेरे संसाधनों को जलाता ना हो, फूंकता ना हो। वो कहते हैं ये मेरे बाप का है, उनके चलो मान लेता हूँ तुम्हारे बाप का है तो तुम मेरे बस को क्यों फूंकते हो? ये तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम सड़कों पे भीड़ लगा के क्यों बैठ जाते हो? ये तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है इसलिए तुम इसको फूंकते हो। तो बजरंग दल वाले भी करते हैं, तमाम लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो लोग भी कभी कभी आक्रोशित होते हैं, अपने चीज़ों को लेके, अपनी मांगों को लेके आते हैं, तो क्या दिक्कत है अगर उनके भी बात पे आएगा? और आपको पता होगा कि नमाज पढ़ते वक्त मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। राक्षस को मारने के लिए राक्षस बनना पड़ता था, पड़ता है, वो समय काल खत्म हो गया रावण का। रावण एक महान विभूति था, महान लोक था, माता सीता को उसने देखा भी नहीं, उसने कोई अत्याचार ऐसे नहीं किए। अब ये जिन्होंने हमारे बेटियों को आगे से बीच से काट दिया। एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने बोला माता सीता को देखा भी नहीं, फिर भी माता सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा और उन्हें इतने साल तक वनवास झेलना पड़ा, क्यों? क्या हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की ये दशा होगी?
बेटा हिंदू राष्ट्र में महिला ही सर्वोत्तम है। सुनिए, शिव को शक्ति मिलती है तो माता से मिलती है। हम जब सीता राम कहते हैं तो पहले सीता को कहते हैं, जब राधा कृष्ण कहते हैं तो पहले राधा को कहते हैं। ये आप मिथ्या प्रचार मत करो, क्योंकि भगवान भी माता के पांव छूता है। और आज भी जो 9 साल की बच्ची होती है, 5 साल की बच्ची होती है, उसे हम कन्या देवी के रूप में पूजते हैं। जब बीबी बन के आ जाती है तो घर में लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो माता के रूप में पूजा जाता है। तो स्त्री जो है वो तो हर जगह हमारे लिए पूज्य है। क्या संत के लिए कट्टरपंथी बात करना उचित है? जैसे कि महंत राजू दास ने कहा था कि हम जीव काट लेंगे, 20 करोड़ रुपए दे देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम पाकिस्तान में, हमें एक बार मौका दो, हम पाकिस्तान में तिरंगा लहराएंगे। अभी मैं तेरे बाल को खींचूं क्या करेगी? समझाएगी अंकल बूढ़े हो मत करो, फिर दोबारा तेरे नाक को नोच दूं फिर क्या करेगी? फिर समझाएगी, फिर मैं तेरे मुंह को खोल के यूं फाड़ने लग जाऊं फिर क्या करे? फिर संविधान का सहारा लूंगी। संविधान? संविधान तो वहां है ही नहीं आसपास, संविधान कहाँ है भाई? कानून करो, कार्रवाई करेगा आप पे और क्या। तो बेटा कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना, सबके लिए एक है? नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है। आप एक बात बताओ बेटा, रात को 3 बजे, क्योंकि ऐसा है कि जब देश आजाद होता है तो कई दूसरे राज्य के लोग उस देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं कि आज नहीं तो कल इसको मुझे गुलाम बनाना है। आपने एक चीज देखा होगा, आजादी मेरे देश को मिली तो प्रधानमंत्री नेहरू क्यों बने, पटेल जी क्यों नहीं बने? सर्वमान्य थे वो, थे, क्यों नहीं बने? उसका कारण मैं बताता हूँ कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, जिन्ना जी, ये अंग्रेजों के साथ पढ़ते थे और अंग्रेजों के ये मित्र थे। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए अंगड़ाई दे रहा था तो इन्होंने आज़ादी को कुंद करने के लिए लड़ाई को एक कांग्रेस की स्थापना की, एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। किसने की? अंग्रेजों ने की। देश जो हमारे खिलाफ खड़े थे उन्होंने की। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र के तहत जो पटेल को राज, आपको एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, सुनिए। आप भाषण दे रहे थे यहाँ पे कि मैं अगला जन्म मांगता हूँ, हिंदू का मांगता हूँ और भारत देश में मांगता हूँ। आप हिंदू में जन्म लेंगे और किस जाति में जन्म लेंगे ये बताएं? किसी भी जाति में, हिंदू में जाति तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पता नहीं कौन बताता है, जो चर्म का काम करता है उसे चमार कहा जाता है, जो वैश्य का काम करता है उसे वैश्य कहा जाता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, हम पहले क्या थे, हम बनिए नहीं थे। हम जो गुप्ता हैं, हम बनिए नहीं थे। आप गुप्ता हैं? हाँ, हम बनिए नहीं थे। मैं बताता हूँ बेटा, जायसवाल हैं तो हमारा काम था शराब के ठेकों पे पोवा पत्थर उठा के फेंकना, यानी सफाई कर्मचारी थे। हमने मेहनत किया, पूरा उद्योग पे आप छा गए, उद्योग पे छा गए तो हम अरबपति खरबपति बन गए, हमारा संसाधन हो गया। तो अब हमारी शादी ब्याह किससे होगी? जो हमारे समतुल्य थे वो हमारे साथ आने लग गए। आप ही बेटा किसी भी कास्ट में, ब्राह्मण हो कुछ भी हो, अगर से आप वैश्य की दुकान खोल के बैठ जाओ, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जब आप खरबोपति करोड़पति अरबपति हो जाओगे तो आपका जो निचला बैकवर्ड जगह था वो छूट जाएगा अगले के साथ। कैसे अरबपति खरबपति होगा? सारे जो जमीन है, तमाम जमीन जायदाद जो है, सारे अपर कास्ट को है, ब्राह्मणों के पास, राजपूतों के पास, दलितों के पास तो कुछ है नहीं, तो कैसे वो लोग बराबरी कर पाएगा? हंसी आती है तुम लोगों पे कि सारी जिंदगी राज तुम लोगों ने किया। ब्राह्मण ने इस देश पे कभी राज नहीं किया, एक इतिहास बता देना। बनियों ने इस देश पे कभी राज नहीं किया, उनका इतिहास बता देना। यही वैश्य, यही नाई, धोबी, गुजर, मोची, यही क्षत्रिय थे, इन्होंने इस देश पे राज किया और जमीनें हमारी पास है। आप कैसे कह सकते हैं राज किया? उनको तो पढ़ाई का भी अधिकार नहीं है, अभी भी बहुत लोग, तमाम लोग पिछड़े हैं अभी। अंबेडकर जी को पढ़ने का अधिकार किसने दिया था? उन्होंने खुद ही दे दिया। उन्होंने संघर्ष किया है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्हें पढ़ाने का, उन्होंने अपनी पत्नी को खोया है, उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। मैंने आदरणीय अंबेडकर जी को हमेशा बचपन में ही कोट टाई पैंट में देखा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हुए देखा है और उनको हमेशा हमेशा एक अच्छे रूप में देखा है। ब्राह्मण ने उन्हें अपना नाम दिया अंबेडकर। ब्राह्मण ने पढ़ाने का उन्हें कोशिश की,
एक राजा ने पैसा दिया उन्हें आगे बढ़ाने का, तो हमारे में क्या था, आपने देखा होगा वो क्या नाम है, आचार्य चाणक्य एक जंगल से बच्चा पकड़ के लाते हैं, उसे राजा बना देते हैं, ब्राह्मण को नहीं बनाते, वैश्य को नहीं बनाते, क्योंकि ताकत की पूजा होती है, जो ताकतवर होता है वही राज्य करता है। बुद्धि की पूजा होती है, चलाते तो चाणक्य ही थे। हाँ बेटा सच्चाई बताया आपने, बुद्धि चलाती है और क्षत्रिय राज्य करता है, वैश्य धन से संपूर्ण करता है, और जो सेवक होता है वो सब काम करता है। तो हमेशा जो सेवक है वो सेवक ही रहेगा। क्यों रहेगा बेटा, ये राम मंदिर में उसको जगह नहीं मिलेगा, राम मंदिर में वो पुजारी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, कहाँ पढ़ते हो, अभी 14 मंदिरों में बड़े बड़े संत बना, 114 शंकराचार्य क्या बनाए गए हैं, शंकराचार्य मनोनीत किए गए हैं, और इसी कौम से। आपके बच्चे क्या करते हैं? हाँ बेटा जी रोजगार करते हैं। क्या रोजगार करते हैं? पढ़ाई किया होगा उन्होंने? हाँ बेटा पढ़ाई किया। कितनी पढ़ाई की? मेरे ख्याल से पढ़ी गए हो तो पता नहीं, एमए बीए करने के बाद वो उसमें क्या नाम मास्टर पता नहीं क्या, वो भी आई क्या, वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, आपके साथ आते हैं वो? हाँ बेटा एक मिनट, तनेश बच्चे को भेजना, ये देखो आओ, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये पढ़ते हैं आप, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? है बेटा हिंदू राष्ट्र से ये फायदा होगा कि मेरा तो आप लोगों पे बार बार इल्जाम लगता है कि हम लोग आपके पिताजी का नाम क्या है, क्या नाम है? मेरा नाम शिखा सिंह है। आपके पिताजी का नाम क्या है? पंकज कुमार सिंह। उनको मैं देवेंद्र सिंह कर दूँ तो अच्छा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा, अगर से आपके पत्र उसमें आधार कार्ड में उनका नाम संघर्ष सिंह लिख दिया जाए तो आप क्या करोगे, जाकर उसे चेंज कराओगे ना, तो मेरे नाम देश का नाम बदल गया है, मेरा देश चाहिए, मेरा गौरव चाहिए, मेरा व्यवहार चाहिए, भाई मेरे बाप का नाम सीताराम तो मुझे सीताराम चाहिए ना, कोई आके कहे कि भाई तेरे नाम गलती से तेरे आधार कार्ड में रामचंद्र दिख गया तो मैं क्यों मानूंगा भाई। सब कुछ तो आप ही लोग के हिसाब से हो रहा है, नाम भी बदला जा रहा है, इतिहास से नाम भी हटाया जा रहा है। अरे तो होगा भाई, जब उन्होंने राज किया उन्होंने हमारी माँ बहनों की जते लूटी, गर्दनों का काट के सीटों पर काट टांग दिया, हम तो वो नहीं कर रहे ना, हम तो प्यार से मांग रहे, भाई प्यार से मांगना भी गुनाह है, वो गजवाए हिंद कहें तो आप तालियां बजा दोगे। कभी किसी ने कहा कि गजवाए हिंद क्यों होता है, आज गजवाए हिंद आप भी कर रहे हो। देखो आपकी जो आवाज है सुदर्शन उस पर केस बनाए जा रहे हैं, जो आपके धर्माचार्य हैं उन पे अनर्गल प्राप्त किए जा रहे हैं, आपका जो बड़ा उद्योगपति घराना है उन पे हस्तक्षेप किया जा रहा है। अरे भाई दुनिया में अगर से मेरा देश का ये योग्य व्यक्ति दूसरे नंबर पे पड़ जाए तो मैं तो कोशिश करूँगा धक्का देके कि फर्स्ट आवे। अगर से मेरा देश वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई गेम में जीत रहा होगा तो मैं धक्का दूंगा, यहाँ कैसा देश, मेरा एक जब दूसरे नंबर पे पहुंचता है पहले नंबर की लड़ रहा है तो उसकी टांग घसीट के ये कांग्रेस नीचे घसीट देती है, क्या नाम है उद्योगपति का, अडानी घसीट देते हैं। अरे भाई घिन आती है क्योंकि कांग्रेस इनकी विचारधारा यहाँ की नहीं है, ये शिकायत करने कहाँ गए, इंग्लैंड गए, क्योंकि इंग्लैंड के नाम पे ही इनके दादा ने नेहरू जी ने शपथ दी थी, तो आज भी वो उनकी मानसिकता गई नहीं, वो अंग्रेजों को अपना मित्र समझते हैं, इस देश को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो इंग्लैंड में जाके अपने आकाओं के पास हिंदुस्तान की शिकायत करते हैं कि आप हिंदुस्तान पे कार्रवाई करो, वो भूल गए कि इस आज हिंदुस्तान के संघासन पे एक सिंह बैठा है। बहुत सारे हिंदू थे जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आप लोग भी जबरन लोगों को कह रहे हैं कि ईसाई को हिंदू बना रहे हैं, मुसलमानों को हिंदू बोल रहे हैं, घर वापसी करो, जबरन करवा रहे हैं। आपको कहा किसी ने आप गए नहीं? गए ना भाई, मेरी बेटी की शादी है, मैं आपको सबको कार्ड दे रहा हूँ, आपकी मर्जी आओ मत आओ, भाई चक्कू रख के तो लोगों को आप लालच देंगे तो आएंगे, पैसे की लालच देंगे किसी चीज की तो आएंगे ही। किसको लालच दिया? एक मिनट, हिंदू पे लालच देने के लिए है क्या? अरे उनका एक कबाड़ी पकड़ा जाता है तो 20-20 करोड़ 10-10 करोड़ देने वाले वकील रात को 3 बजे खड़े जाते हैं, यहाँ तो हमारा कोई बच्चा बोला हिंदुस्तान आपका है, लेकिन कहीं भी जैसे कि अभी भारत जो है संविधान से चल रहा है उसमें कहीं भी हिंदुस्तान का नाम नहीं है, भारत का नाम है, हम भारत के वासी हैं, एक साथ है, भारत हमारा देश है और हिंदुस्तान को राष्ट्र बनाना है, हिंदू बचेगा तब धर्म बचेगा तो राम राज्य आएगा, बाकी राम राज्य आने वाला नहीं है, इसलिए राम राज तो
वहाँ है रामराजी है उत्तर प्रदेश में, हाँ यूपी में है राम। हथरस, हथरस जैसा कांड भी यूपी में ही होता है, होना चाहिए राक्षसों का भाई। हथरस कांड क्या आपको मालूम है? हाँ मालूम है, क्या हुआ? वो एक कोई नेता ने केस चढ़ा दिया था, कोई जांच वहाँ क्या था? हथरस कांड था जिसमें एक दलित लड़की का जीव काट दिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसको जला दिया जाता है। जलाने वाला कौन था? कौन था? आप क्या कहना चाहती हो? उसमें सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। आपको कैसे पता? और बिल्किस बानू के बिल्किस बानू के जितने भी आरोपी थे सबको निकाल दिया, सबको बरी कर दिया गया, और जब वो बरी हुए तो उनको माला पहना के स्वागत किया गया। तो आपको केस क्यों नहीं किया गया? आपके ऊपर इन पे केस क्यों नहीं किया गया? पुलिस पागल थी? कोर्ट हमारी पागल है? अरे भाई कोर्ट ने जब देखा साक्ष्य कि ये बरी योग्य हैं तो बरी किया गया, और किसी को आपको उठा के बंद कर दिया जाए यहाँ? अभी आपका एक पत्रकार उठा के बंद कर दिया गया, जेल में बिचारे को सड़ा दिया गया, क्या वो जायज है? और नहीं, जायज नहीं है, वो झूठा, वो नफरत फैला रहा। क्या नफरत फैला रहा? राज्यों के बीच पत्रकार क्या होता है? पत्रकार का ना कोई धर्म ना कोई जाति कुछ भी नहीं होता है। पत्रकार जो है स्वतंत्र है और इस संविधान में। आपका नाम क्या है? शिखा सिंह नाम है। तो सिंह क्यों लगाते हो? अभी पत्रकार कहते हो तो पत्रकार कह देते ना, सिखा कह देते। अरे बेटा आप अपनी मांग करेंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे। यहाँ मुसलमान आएंगे हम उसे भी दिखाएंगे, गरीब आएंगे हम उसे भी दिखाएंगे, हम सबको दिखाएंगे। लेकिन हमारा काम बिना सबूत के, हम किसी पे सवाल नहीं उठा सकते। मनीष कश्यप ने बिना सबूत के सवाल उठाया जिसके वजह से वो भुगत रहा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं। उन वो सबूत नहीं मांगते और मुकदमा भी नहीं बनता, उनके साथ कार्रवाई होता है। क्या कार्रवाई हुआ बेटा? आज अतीक अहमद जेल में, अभी तो फाइल बंद पड़ी है बेटा। अतीक अहमद कह रहा, अतीक अहमद को जानते हैं क्या? अतीक अहमद साल से क्यों नहीं हुआ? अतीक अहमद को जानते हैं। कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं हुआ? मैं कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहता। आपको पढ़ने का अधिकार कौन दिया? महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कौन दिया? महिलाओं को पढ़ने का अधिकार? महिलाओं ने पढ़ाया है, सरस्वती देवी पढ़ाई की है। आप कहाँ की बातें करते हो? सरस्वती देवी को देखा है आपने? अपने पटाला को देखा है आपने? अपने पटाला को देखा है? नहीं देखा, आपके पटाला नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो चीज देखा वही मानोगे आप? सावित्री बाई फुले ने पहला स्कूल बनाया था, उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया महिलाओं को। उनको किसने दिया फिर? उनको उनके माँ बाप ने दिया ना, वो कैसे पढ़ी? अगर उन्होंने सबको अधिकार दिया तो वो कहाँ से पढ़ गई? कहाँ से पढ़ के आते हो आप लोग? सरस्वती देवी को मानते हैं? सरस्वती देवी पढ़ने का तो जितने, लेकिन महिलाएं सभी, महिलाएं सरस्वती ही देवी है, उन्हें पढ़ने का अधिकार कौन देगा? वो सबको अधिकार देती है। महिलाएं, आप सुनिए, आप महिला हैं और महिलाएं लगातार पिछले कई वर्षों से सती होते आई थी, क्या ये सही था? तो वो सती नहीं था, तभी तो बदला गया। उसको जबरदस्ती नहीं, वो सती नहीं होती थी। उन्हें जब लगता था कि मेरे साथ बहुत बेविचार होगा, मेरी आंखों में नंगूदी डाल के फाड़ दिया जाएगा, मेरी आंखों को फाड़ दिया जाएगा, मेरे मुंह में उंगली देकर फाड़ दिया जाएगा, लेकिन ये कह रही है क्या सही नहीं है? आगे से काट के बहुत तक कर दिया जाएगा। महिलाओं का सती होना सही था? ऐसे है कि जब उनको लगा कि मैं तो मेरा पति को उन्होंने जबरदस्ती मार दिया गया, और अब उसके बाद क्या होगा कि भाई मेरे ऊपर भी कुछ होगा, इसलिए तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी ना। आप तो अभी बोल रही थी कि नहीं सती नहीं था। आपके कहने से आप मुझे बिल्कुल बहलकाओ मत, जो आपने क्वेश्चन करना वो करो। आप क्वेश्चन गलत करोगी मैं भी गलत जवाब दूंगी। आप पत्रकार हो, उसी हिसाब से हिंदू राष्ट्रीय के ऊपर बात कीजिए। सती होना सही था? हिंदू राष्ट्रीय के ऊपर सती होना सही था? आप हिंदू राष्ट्रीय के ऊपर बात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे ये महिला है, और जब मैंने इनको सावित्री बाई फुले के बारे में बताया कि जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाएं सती होती थी, तो अभी इन्होंने जबरन जो बाबा है वो कह रहे हैं कि महिलाएं सती नहीं होती थी क्योंकि उन्हें डर लगता था, और तभी ये महिला कह रही थी कि नहीं हमें ये सही सती प्रथा जो था वो सही नहीं था, लेकिन बाद में उनकी बात सुनने के बाद इन्होंने अपना बयान पलट दिया। हालांकि आप लोग इस पूरे हिंदू राष्ट्र का जो ये आप चरित्र देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।